अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब जरा देख रहे शाह क्रिकेट न्यूज़। तो नेशनल कप जारी है, सुपर एट राउंड मैच नंबर 37 के रिजल्ट आपकी खिदमत पेश करूंगा। पेशावर विज कराची वाइट्स, पेशावर ने कराची वाइट्स को 36 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। उनकी जानिब से आदिल अमीन 75 और इफ्तार अहमद ने 72 रन बनाए। अमीर अजमत ने 24 रन बनाए। बॉलिंग में गुलाम मुद्दासर, आरव यकूब और सुहेल खान ने एक एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकम में कराची वाइट्स की टीम 130 पर ढेर हो गई। उनकी तरफ से सुहेल खान ने 34, अहमद आलम ने 32, उमेर बिन यूसुफ ने 24 रन बनाए। बॉलिंग में इफ्तार अहमद और मोहम्मद इमरान जूनियर ने 3-3, जबकि आजम खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब मैं पेश करूंगा मैच 38 का रिजल्ट। लाहौर वाइट्स ने लाहौर ब्लूज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर ब्लूज़ ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। उनकी जानब से जुनैद अली ने 34, कासिम अकरम ने 27, जबकि हुसैन तलात ने 24 रन बनाए। बॉलिंग में मोहम्मद नवीद ने 2, इमरान डोगरा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकम में लाहौर वाइट्स की टीम ने मुकर्रर टारगेट आखिरी ओवर की आखिरी बॉल में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। उनकी जानिब से तैयब ताहिर ने 67, इमरान डोगर 45, जबकि उमर अकमल ने 21 रन बनाए। बॉलिंग में उमेद आसिफ ने 2, कासिम अकरम और उस्मान कादिर ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। मैच रिजल्ट 39, रावलपिंडी विज फाटा। रावलपिंडी ने फाटा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फाटा ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बनाए। उनकी जानिब से सलमान ने 83 नॉट आउट, खुशदिल शाह 90, शायद 80 रन बनाकर नुमाए रहे 18। बॉलिंग में जमान खान ने 3, काशिफ और जहांदाद ने एक एक विकेट ली। हदफ के दागे में रावलपिंडी की टीम ने मुकर्रर टारगेट 18.2 बॉल में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। उनकी जानिब से यासर खान 107 रन बनाकर आउट, उमर अमीन 48 रन बनाकर आउट हुए। बॉलिंग में शायद अजीज ने 2 और इरफान उल्ला खान ने 1 विकेट हासिल की। तो ये था मैच रिजल्ट 39। अब मैं पेश करूंगा मैच 40 का रिजल्ट। एबटाबाद ने सियालकोट को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सियालकोट ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाए। उनकी जानिब से तहर बेग ने 38, मोहम्मद दुरेरा ने 15 रन बनाकर नुमाए रहे। बॉलिंग में यासिर शाह ने 3, आदिल नाज ने 2, खालिद उस्मान ने 1 विकेट ली। हदफ के ताकम में एबटाबाद की टीम ने मुकर्रर टारगेट 17.4 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। उनकी जानिब से सजाद अली 50, कमरान गुलाम 26, अनीस आजम ने 18 रन बनाकर आउट हुए। बॉलिंग में बिलाल आसिफ 2, मोहम्मद अली और शुएबुल्ला ने एक एक विकेट हासिल की। तो ये था मैच 40 का रिजल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद देखते रहिए शाह क्रिकेट न्यूज़।